हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी में, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है बेटा, एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। स्पॉन्टेनियस फिनोमिना का मतलब न्यूक्लियस अपने आप विघटित होकर नए न्यूक्लियाई में बदलता रहता है। तो नए न्यूक्लियाई बदलने के लिए एक डॉटर मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई है वो किसमें बदलता है, डॉटर न्यूक्लियाई विद प्रोसीजर डीके। डीके जो प्रोसीजर होता है उस समय क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल या गामा रेडिएशन, पार्टिकल नहीं बोलेंगे रेडिएशन, क्योंकि चार्ज लेस एंड मास लेस, केवल क्या है एनर्जी, इसलिए गामा एनर्जी के साथ क्या होता है डी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम केवल अल्फा डीके के बारे में बात करेंगे कि किसी भी पेरेंट न्यूक्लियाई से जब डॉटर न्यूक्लियाई बनता है तो अल्फा डीके किस प्रकार बाहर निकलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो अल्फा डीके यानी अल्फा पार्टिकल जब निकलता है किसी भी पेरेंट न्यूक्लियाई से, तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसके प्रोटॉनों की संख्या में 2 की कमी तथा जिसकी मास नंबर है उसमें 4 की कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि निकलने वाला जो अल्फा पार्टिकल वो क्या होगा, 2HE4, जिसे हीलियम पार्टिकल कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हीलियम जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 2HE4, यानी प्रोटोनों की संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है वो प्लस 2e यानी इलेक्ट्रॉनों के 2 गुने के बराबर तथा मास होता है वो कितना होता है, 4 के बराबर। अगर हम कोई रिएक्शन के कोरस्पोंडिंग देखें, कोई माने एलिमेंट मान लिया x है, z उसमें प्रोटोनों की संख्या है, a उसका मास नंबर है, दैट इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियाई। इससे कोई अल्फा पार्टिकल डीके होता है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल डीके मतलब हीलियम आयन उससे क्या होगा, बाहर निकलेगा, इसका मतलब 2HE4। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है उसके क्या होती है, प्रोटोनों की संख्या में 2 की कमी हो जाती है। तो जेड में से 2 की कमी, इसका मतलब कितना होगा, Z-2। नया एलिमेंट क्या बना, वाई। तो और द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी हो गई, 4, यानी A-4। अगर ये डॉटर न्यूक्लियाई बनने वाला स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है तो अगेन दूसरा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकाल सकता है, गामा पार्टिकल, लेकिन हम केवल यहाँ अल्फा की बात कर रहे हैं, तो केवल अल्फा पार्टिकल का डीके का हमने एक एलिमेंट लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा दे रहा हूँ, जेड की जगह कोई संख्या लेता हूँ, मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ यूरेनियम, यानी यूरेनियम जिसमें परमाणु क्रमांक 92 है एंड मास नंबर कितना है, 238, यानी एलिमेंट हुआ 92 यूरेनियम 238, दैट इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियर। अब हम इसमें एक अल्फा पार्टिकल डीके करते हैं तो क्या होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या 2, तो नया जो न्यूक्लियर बनेगा यूरेनियम से स्टेबल वो क्या बनेगा, थोरियम, जिसका होता है 90 थोरियम 234। अब हम इसके स्टेबल और अनस्टेबल को जो दर्शाने का तरीका है वो है कि स्टेबिलिटी कर्व, जो स्टेबिलिटी कर्व है न्यूट्रॉन और प्रोटोनों के बीच में खींचा जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटोन का जो रेशियो आता है उसी से पता लगता है कि कोई न्यूक्लियाई पहले कोई न्यूक्लियाई है वो स्टेबल है या अनस्टेबल। तो हम इनका रेशियो देखते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई का, जैसे हम यूरेनियम लिया, इसका पेरेंट न्यूक्लियाई का अगर हम रेशियो देखते हैं तो इसका रेशियो आता है 1.58। कैसे, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 238 माइनस 92, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 146, प्रोटॉन कितना है 92, इसका मतलब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना है 1.58। इसी प्रकार हम डॉटर न्यूक्लियाई इसका निकाल सकते हैं, प्रोटोनों की संख्या बटे न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसका रेशियो आता है वो कितना है 1.6। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई हेवी एलिमेंट है और वो अल्फा डीके करता है तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज। तो हमने देखा होगा स्टेबिलिटी कर्व में भी न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटोन यानी न्यूट्रॉन और प्रोटोनों का रेशियो लगभग लगभग 1 के बराबर आ रहा है तो वो क्या होता है, एक स्टेबल कर्व होता है। जैसे जैसे या तो न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर की ओर एलिमेंट जाते हैं या नीचे की ओर, इसका मतलब क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। तो अभी हमें इतना पता लगा, उस ग्राफ के बारे में बात करेंगे हम,
कि अल्फा डीका होने पर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो क्या होता है, बढ़ता है। चौथे नंबर बात करता हूं मैं एनर्जी इन डीके, यानी जब कोई भी पार्टिकल पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस में चेंजेस होता है तो डेफिनेटली क्या होता है, एनर्जी निकलती है। अब यहां हमें यह पता लगाना है कि वो एनर्जी वो किस फॉर्म में निकल रही है, वो एनर्जी है वो किसके रूप में, मास डिफेक्ट के रूप में निकल रही है। तो डेफिनेटली जैसे रिएक्शन वही जेड एक्स से अल्फा पार्टिकल 2He4 निकाल दिया प्लस शेष डॉटर न्यूक्लियस क्या बताएगा, जेड माइनस 2 वाई ए माइनस 4 प्लस एनर्जी क्यू। ये एनर्जी है वो किसमें, मास डिफेक्ट। तो हमें मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट के लिए क्या कर सकते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस जो मास है वो कितने भागों में टूटा, दो भागों में, एक तो हीलियम प्लस डॉटर, उन दोनों का मास, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट। तो और एनर्जी को मास डिफेक्ट को किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, एनर्जी ड्यू टू मास डिफेक्ट। तो क्या होता है बेटा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इसको क्यू बराबर डेल्टा एम की वैल्यू रखेंगे। सी स्क्वायर का मतलब डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 921.5 यानी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करते हो, जो मास है उसको कैलकुलेट कर इसमें करना है एएमयू में। तो यानी जो दोनों का डिफरेंस होता है एएमयू, किसका, डॉटर पेरेंट न्यूक्लियस माइनस डॉटर न्यूक्लियस माइनस अल्फा पार्टिकल, उसका जो डिफरेंस होता है उसको 921.5 से मल्टीप्लिकेशन करते ही हमें क्या आ जाती है, एनर्जी। और ये ऑल मास है, ये किसमें लेना है, एएमयू, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन 12 परमाणु से। अगला पॉइंट जैसे हम, तो इस तरह से एनर्जी निकल जाएगी। अगला पॉइंट हम जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन की और बात कर सकते हैं अल्फा डीके में। तो मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या है, जब कोई पार्टिकल बेटा रेस्ट में होता है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम पी इनिशियल बराबर क्या होगा, जीरो। अब मैं मान लेता हूं कोई मेरा पार्टिकल एक्स से वाई पार्टिकल बना, तो डेफिनेटली क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वी अल्फा, और डॉटर जो न्यूक्लियस बना उसकी वेलोसिटी क्या है, वी आई। तो डेफिनेटली मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि इनिशियल पार्टिकल रेस्ट में है और अनस्टेबल पार्टिकल में टूटा, तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, अपोजिट, यानी एक अल्फा पार्टिकल इधर तो दूसरा डॉटर न्यूक्लियस इधर। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए फाइनल मोमेंटम यानी डॉटर न्यूक्लियस का M1 या जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका मोमेंटम MV और अल्फा पार्टिकल मोमेंटम MV, वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो डेफिनेटली फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, जी। तो क्या कह सकते हैं, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन के रिएक्शन कहते हैं बेटा इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होने चाहिए, जीरो, या दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऐसे रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियर रिएक्शनों में आज सबसे पहले अल्फा डीके के बारे में बात की। धन्यवाद। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीटा डीके के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अल्फा डीके के बारे में बात किया कि जब कोई पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनता है तो किस प्रकार अल्फा डीके होता था। तो आज हम बीटा डीके की बात करेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो स्पॉन्टेनियस फिनोमेना यानी अल्फा बीटा डीके लगातार क्या होता है, इमिट करता रहता है। तो बीटा डीके होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो बीटा माइनस डीके और एक बीटा प्लस डीके। बीटा माइनस डीके होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी माइनस वन बीटा जीरो या माइनस वन ई जीरो। बीटा प्लस डी के होता है क्या होता है, प्लस वन ई जीरो यानी पॉजिटिव। यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि मास तो क्या है, जीरो है। बीटा माइनस डी के क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पावर्स कितना होता है, माइनस वन, और बीटा प्लस क्या होता है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन कितना होता है, प्लस वन। तो प्लस वन ई जीरो पॉजिट्रॉन, माइनस वन ई जीरो इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट है बीटा डी के, बीटा डी के चार्ज माइनस एक यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार्ज माइनस ई और मास क्या होता है, जीरो। रिएक्शन देखते हैं कि जब कोई पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनता है तो उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन या मास नंबर पर क्या इफेक्ट आता है। तो जैसे कोई एलिमेंट है जेड एक्स, इससे क्या निकला है, बीटा डीके निकला। बीटा डीके निकलने का मतलब है कि जो अपने पास पेरेंट न्यूक्लियस है
वो डॉटर न्यूक्लियाई बनने पर उसमें प्रोटोनों की संख्या में क्या होता है, प्लस वन इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब प्रोटोनों की संख्या कितने होगी, जेड से जेड प्लस वन। कब, जब बीटा डीके होता है, यानी न्यूक्लियस से बीटा माइनस डीके बाहर निकलता है। और मास नंबर क्या होता है, चेंजेज नहीं होता। तो जहां कोई भी रिएक्शन में अगर हमें देखना हो कि अगर उसमें उसके प्रोटोनों की संख्या में प्लस वन की वृद्धि हो रही है, तो डेफिनेटली हमको समझ जाएंगे कि वो क्या होता है, बीटा माइनस डीके। तो रिएक्शन में देखो, जेड एक्स है माइनस वन ई जीरो, क्या निकला, बीटा माइनस डीके, प्लस जेड प्लस वन वाई, यानी कौन सा है, डॉटर न्यूक्लियस, और मास नंबर क्या है, सेम, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो क्या निकलता है, 60। जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूं, 6 कार्बन 14 से एक बीटा माइनस डीके निकला माइनस वन ई जीरो प्लस, तो क्या होगा, एक वृद्धि होगी, तो 6 से कितना होगा, 7 न्यूट्रॉन 14 प्लस एंटी न्यूट्रिनो, 6C14 में एक न्यू बीटा माइनस डीके से कार्बन से क्या बन गया, नाइट्रोजन, तो प्लस वन वृद्धि होगी, मास तो सेम, और साथ में क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो एक्चुअल में ये न्यूक्लियस में हुआ कैसे, हम ये देखना चाहते हैं कि कार्बन से नाइट्रोजन बना कैसे। तो क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होता है वो क्या होता है, कन्वर्जन होता है। किसका कन्वर्जन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का कन्वर्जन, या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन। तो जो बीटा माइनस डीके होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से क्या होता है, प्रोटॉन में क्या होता है, कन्वर्जन, यानी एक न्यूट्रॉन का एक प्रोटॉन में कन्वर्जन। तो आपको पता है प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस वन, और न्यूट्रॉन में क्या होता है, जीरो। तो क्या होता है, एक की, तो जैसे मैं रिएक्शन को देखता हूं, जीरो यानी एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का कन्वर्जन करता हूं, तो जीरो एन वन इंटू वन पी वन, यानी चार्ज कितना है न्यूट्रॉन पर, जीरो, तो प्रोटॉनों की संख्या जितनी की इलेक्ट्रॉन संख्या, तो क्या होता है, प्लस वन ज्यादा है। तो इक्वेशन कन्वर्जन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बीटा वन इलेक्ट्रॉन, यानी बीटा माइनस डी के, यानी माइनस वन ई जीरो, चार्ज बराबर, चार्ज कंजर्वेशन हो गया, प्लस क्या निकलता है, एंट्री न्यूट्रॉन। ये जो माइनस वन होता है ये क्या होता है, जनरेट एट दिस मोमेंटम, यानी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ऐसा होता है। तो इट इज, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का कन्वर्जन होता है, किसमें, बीटा माइनस डीके में। अगर मैं बीटा प्लस डीके की बात करता हूँ, बीटा प्लस डीके का मैं कह रहा हूँ पॉजिट्रॉन होता है, प्लस वन ई जीरो, मास जीरो होता है, चार्ज कितना होता है, प्लस ई के बराबर। रिएक्शन देखता हूँ, जेड एक्स है, एक पॉजिट्रॉन निकला, तो जेड माइनस वन वाई इंटू ए, प्लस न्यूट्रिनो, प्लस कोई एनर्जी क्यू। तो एग्जांपल 7 एंड 14 में प्लस 1 ई जीरो, तो 6 कार्बन 14 प्लस न्यूट्रिनो प्लस कोई एनर्जी क्यू। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन से किसमें बदला, कार्बन में, यानी परमाणु जो संख्या है उसमें एक की क्या हो गई, कमी हो गई। एक की कमी होने का मतलब, एक की कमी किससे पूर्ति हुई, पॉजिट्रॉन से, तो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वलेंट, यानी कंजर्वेशन हो गया। तो एक्चुअली इस दिस रिएक्शन में, बीटा प्लस डीके रिएक्शन में क्या होता है कि जो इंटरनली न्यूक्लियस में वो भी अगेन क्या होता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन किसमें होगा, इसमें प्रोटॉन से कन्वर्जन किसमें होगा, न्यूट्रॉन। रिएक्शन देखेंगे, प्रोटॉन को कन्वर्जन किसमें करता है, न्यूट्रॉन को। चार्ज मास लिखो 1p1 0n1 प्लस न्यूट्रिनो प्लस न्यू, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का मतलब पॉजिट्रॉन ने, एक तो न्यूट्रॉन निकलता है, एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, ये भी क्या करता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी मोमेंटम को क्या करता है, कंजर्वेशन करता है। तो इस प्रकार बीटा डीके का दो कार्य है, या तो परमाणु संख्या में जो एक की वृद्धि होगी, या परमाणु संख्या में एक की कमी होगी। लेकिन कुछ लेवल पर देखा जाए कि कब बीटा माइनस डीके होगा, कब प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस डीके होगा। यदि प्रोटोनों की संख्या में प्लस वन इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली बीटा माइनस डीके, और यदि प्रोटॉन की संख्या में माइनस वन डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, बीटा प्लस डी। थैंक यू।